हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजाज किचन में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी शक्करपारे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि मैं जो अपनी डिश के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ और जो जो यूटेंसिल्स यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो अगर आप वहाँ से उसे ख़रीदना चाहते तो वहाँ से आप उस लिंक पर जाकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बनाना। देख लेते हैं बहुत ही स्पेशल शक्करपारे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। यहाँ पर मैंने ये इस कटोरी के नाप से 2 कप मैदा लिया है और 2 बाउल चीनी ली है, 1/2 बाउल जो है ये मैंने सूजी ली है और इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक और मिल्क लिया है जो कि थोड़ा गुनगुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डो रेडी कर लूँगी, तो उसके लिए जो मैदा है ये इसमें मैं परात में डाल रही हूँ, थी मैंने जो ये सूजी ली है वो भी इसमें डाल दूँगी और ये 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है ये इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे मोयन के लिए, तो ये मैंने लगभग 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें घी और ऐड करना होगा क्योंकि ये जो मुट्ठी है अभी बन नहीं रही हमारी, अगर आपकी मुट्ठी बन जाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें मोयन आपने सही से डाला है। तो ये पूरा 1 चम्मच भर कर अच्छे से मैंने ये घी इसमें और डाल दिया है और इस घी को अब एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मुट्ठी बनने लगी है तो इसका मतलब हमारा मोयन अच्छे से इसमें ऐड हमने कर दिया है। इसमें लगभग मैंने 3 चम्मच बड़े भर कर एकदम अच्छे से घी लिया है और अब इसका डो रेडी करेंगे धीरे धीरे जो मिल्क है वो डालते हुए। इस तरह से हमें लगातार इस तरह से करना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें डो रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड किया था और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अब अच्छे से इसका डो रेडी कर लेंगे। बस इस डो में हमें इतना ही दूध डालना है। मैंने लगभग 1/2 कप दूध लिया था और उसमें से 2-3 चम्मच जो है दूध बच गया है हमारा। ये देखिए डो एकदम अच्छा बन के तैयार हो गया है। हमें इस रेसिपी के लिए जो डो बनाना है वो सॉफ्ट बनाना है, बिल्कुल ज़्यादा ना तो ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है इसको। तो ये लीजिए डो रेडी है। ये जो डो की कंसिस्टेंसी है इस तरह की होनी चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इस डो को थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। ये लीजिए हमारा जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से भर के 1 कटोरी चीनी डाली और ये 1/2 कटोरी चीनी। हमें जो इसकी चाशनी है वो 1 तार की बनानी है, तो इस वजह से जो है हम चीनी ज़्यादा इसमें रखेंगे और पानी की मात्रा कम उससे आधी रखनी है। तो ये मैंने पूरा भर कर 1 कटोरी पानी लिया है और ये इसमें डाल देंगे। और अब इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को, तब तक के लिए इसको कुक करेंगे और ये सब काम हमें हाई फ्लेम पर ही करना है।
देखिए चाशनी जो है मेल्ट शुरू होनी शुरू हो चुकी है और अब इसे लो फ्लेम पर ढककर हमें 5 मिनट के लिए और कुक करना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है सेट हो चुका है। अब इसको ले लिया मैंने रोलिंग बोर्ड पर और थोड़ी देर के लिए इसको और नीट कर लेंगे। तो हमारा डो रेडी है बिल्कुल। और ये देखिए इस तरह से इतनी हमें गोली इसकी जो बन लेनी है इतनी लेनी है मोटी, और इसको रोल कर लेंगे और इसको बेलेंगे। अब तो आपको ये ध्यान रखना है, इस जो शक्करपारे हम बना रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा मोटा चाहिए, तो थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है। तो ये देखें इतना ही रखना है इसको, और अब इसको काट लेंगे ये इस तरह से। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना मोटा काटें, पर ज़्यादा मोटा ही ये ठीक लगता है। ज़्यादा अगर इसको पतला बनाएंगे तो ये हार्ड बन जाएंगे। तो इसकी जो थिकनेस है हमें इतनी ही रखनी है। तो ये देखिए हमने जो शक्करपारे के लिए बनाए हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो इसकी थिकनेस हमें थोड़ी इतनी ही रखनी है, थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि इसमें चाशनी भी अच्छे से चढ़ जाए। तो ये हमारे तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अब चाशनी को। ये देखिए चाशनी जो है रेडी हमारी। इसे एक तार का ही बनाना है तो एक बार देख लेंगे। ये देखिए एक तार गिर रहा है आराम से, तो मतलब एक तार बन चुका है। फिर से दिखा देती हूँ आपको एक बार हाथ से, आप इस तरह से करके देखें। अगर इस तरह से बन रहा है तो इसका मतलब आपका एक तार बन चुका है। और अब बस इस चाशनी को हमें इतना ही पकाना है। तो ये देखिए मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, और ये मैंने इसमें मटरी बनाई थी इसलिए थोड़ा ऑयल ऐसा हो रहा है इसमें। अब धीरे धीरे करके जो है वन बाय वन हमने जो ये शक्करपारे के लिए बनाए थे इसको डालते जाएंगे। और ये गैस की फ्लेम जो है हमें इस समय मीडियम रखनी है। देखिए फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, अब इस समय जो है गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए शक्कर पारों का बहुत ही सुनहरा कलर आ चुका है, और बस अब इसको इतना ही फ्राई करेंगे और अब इसको प्लेट में टर्न करेंगे। तो ये लीजिए शक्करपारे जो हैं हमारे वो सारे इसके अंदर डाल देंगे और सभी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए देखिए सारे जो शक्करपारे हमारे रेडी हैं, अब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। ये चाशनी हमारी गर्म हो चुकी है और इसको इतना ही गर्म करेंगे और ये शक्करपारे इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से ताकि सारी जो चाशनी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये चाशनी अभी ठंडी होने के बाद जो है थोड़ी गाढ़ी होगी, और तब ये वैसे ही दिखेंगे जैसे शक्कर लपटी हुई होती है शक्कर पारों पर। तो ये इस तरह से इसको लपटाकर हमें थोड़ी देर के लिए रखना है। तो इसको लगभग 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो चाशनी है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए आप लोगों के लिए तैयार है बहुत ही टेस्टी शक्करपारे, और इसी तरह से आप भी बना के देखिए बहुत ही यम्मी बनते हैं। और अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और डिश बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी डिश कैसी बनी। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।